हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ट्रूली योर्स फूड एंड ट्रैवल। और आज हम जा रहे हैं कांदिवली वेस्ट महावीर नगर में मगारी कैफ़े में। तो ये जो कैफ़े है वो देखिए मेट्रो स्टेशन के एकदम नज़दीक है, कांदिवली वेस्ट मेट्रो स्टेशन के एकदम नज़दीक, ओनली ऑन 20 मीटर्स के डिस्टेंस पर। चलो चलते हैं इस कैफ़े में। तो हमने ऑर्डर किया, हमारा पहला डिश जो आ गई है दैट इज़ बीट रूट हमस विथ पीटा ब्रेड। सो ये बीट का बना हुआ हमस है। हमस तो आपको पता ही होगा, जो चिक पीस ऑलिव ऑयल और गार्लिक से बनता है, उसके ऊपर आपको ब्लैक ऑलिव डाले हुए हैं। और ये है पीटा ब्रेड, तो ये मेरा फेवरेट है, तो मैं इसको पहले ट्राई करता हूँ। ऐसे खाते इसे, ये ज़्यादा लेना है। बहुत ही फ्रेश पीटा ब्रेड, बहुत ही क्रंची, और हमस बहुत ही फ्रेश है विथ ऑलिव ऑयल वेल ड्रिजल्ड ऑन द टॉप। सो दिस इज़ अमेजिंग डिश, यम विथ लिटिल बिट ऑफ बीट का फ्लेवर। द बीट फ्लेवर इज़ नॉट ओवर पावरिंग इट। सो गाइज, अभी हमारा दूसरा आइटम आ गया है जिसका नाम है बटर गार्लिक मशरूम विथ पीटा ब्रेड। सो यह है मशरूम बटर गार्लिक सॉस में, उसको टॉस किया, उसके ऊपर उन्होंने चिली फ्लेक्स डाला हुआ है और छोटे से कोरिएंडर के साथ इसको गार्निश किया हुआ है। और ये पीटा ब्रेड है, ये वाला पीटा ब्रेड थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है इस बार, तो नो आई वांट टू ट्राई दिस। ये जितना ज़्यादा हो सके ले लेना, तो मैंने ज़्यादा ले लिया। आई वांट टू ट्राई दिस। वाओ, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। अगर आपने बटर गार्लिक प्रॉन्स खाए होंगे, एग्जैक्टली सेम है बटर गार्लिक प्रॉन्स जो थे, इट इज़ एब्सोल्युटली सेम, एब्सोल्युटली सेम। प्रॉन्स को सिर्फ रिप्लेस किया है मशरूम से। ये ऐसे टाइप का डिश है। तो दोस्तों, ये हमारी थर्ड डिश है जो हमने ऑर्डर किया, वो है पेस्तो आला गेनोवीज। अभी आई डोंट नो इसका मतलब क्या बनता है, पर पेस्तो का मतलब मुझे पता है, पेस्तो सॉस से बना हुआ है। सो पेस्तो सॉस इज़ मेड अप ऑफ बेजल, मतलब है तुलसी का पत्ता, बेजल मतलब तुलसी का पत्ता, तो तुलसी का पत्ता, गार्लिक, ऑलिव ऑयल से बनती है बेजल की पेस्ट, और वो बनता है बेजल सॉस। तो ये बेजल मतलब पेस्तो सॉस बनता है, नॉट बेजल सॉस, पेस्तो सॉस बनता है। और वो पेस्तो सॉस को इन्होंने स्पगेटी में डाला हुआ है, तो हम लोग ने स्पगेटी पास्ता लिया, मतलब नूडल्स जैसा। ये देखिए स्पगेटी है, इसमें इन्होंने गार्निश किया, ऊपर से आप देख सकते हो दैट इज़ पार्मेजान चीज़। और इसमें इन्होंने फाइनली चॉप्ड रेड पेपर और येलो पेपर्स से इसमें कुक किया है, रेड ग्रीन और येलो पेपर्स में। सो लेट्स ट्राई दिस। मुझे ऐसा लगता है ये ऑलिव ऑयल में ही कुक हुआ है। अभी तक इनके सारे डिशेस की टेस्ट और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर अ स्मॉल प्लेस बट अ रियली नाइस प्लेस टू एक्सप्लोर। ये महावीर नगर के बहुत नज़दीक है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। वाओ, ये भी बहुत अमेजिंग है। बहुत ही अच्छे से पेस्तो सॉस का फ्लेवर उभर के आ रहा है इसमें, और सारे वेजीज और स्पगेटी बहुत ही वेल कुक्ड है, एकदम वेल कुक्ड है, इट इज़ रियली नाइस। और एक बाइट मारता हूँ मैं इसका, सो दैट
और एक बाइट मारता हूँ उसका। बहुत बढ़िया। दोस्तों देखते ही देखते हमारा फोर्थ आइटम भी आ गया है तुरंत, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। अभी तक हमने अलग अलग टाइप का मंगाया, तो पहले हमने मंगाया था मेडिटेरियन, दूसरा जो था वो भी सॉर्ट ऑफ मेडिटेरियन आप बोल सकते हो उसको, थर्ड वाला इटालियन था, और अब हमने जो मंगाया वो है एशियन क्यूजीन। सो इट इज़ हनी चिली कॉटेज चीज़, मतलब कॉटेज चीज़ मतलब पनीर। तो हनी चिली कॉटेज चीज़ टिपिकल एशियन प्रिपरेशन है, जो से मतलब सोया सॉस में टॉस्ट विद ऑल द वेजीज, पनीर, स्प्रिंग आनियंस, यू नो आप देख सकते हो, देखो पूरी तरह से ऐसा है। और इसमें इन्होंने बेबी कॉर्न और काफ़ी सारे वेजीज का यूज़ किया है, और क्रंची लग रहे हैं मुझे काफ़ी। हमें ट्राई करना है ये कि कैसा लगता है। ये टिपिकल हमारे जो चाइनीज़ क्यूजीन होती है उसी तरह का है, पर ऊपर से इन्होंने गार्निश जो किया है दैट इज़ विथ वाइट सेसमी सीड्स। ओके लेट मी ट्राई दिस। अमेजिंग, जैसे मैंने कहा इट इज़ क्रंची, पनीर इज़ फ्रेश, आप हनी का टेस्ट आपके मुंह पे पहले लगेगा, उसके बाद आपको चिली का टेस्ट आएगा। तो हनी एंड चिली आर बैलेंसिंग एवरीथिंग ऑल टुगेदर, और काफ़ी सारे वेजीज है, तो इट्स नॉट ओनली अ प्लेन ब्लैंड ओनली पनीर वाली डिश, मैं काफ़ी सारे वेजीज के साथ आप ट्राई कर सकते हो। रियली डिलीशियस, बहुत अच्छा। सो गाइज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रूली योर्स फूड एंड ट्रैवल, एंड लाइक एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोज़। थैंक यू।